आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों की रिमांड हुई मंजूर। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। भारी सुरक्षा के बीच लवलेश, सनी और अरुण को किया गया कोर्ट के सामने पेश। दो दर्जन वैन से सुरक्षा कर्मियों के बीच लाया गया था प्रयागराज कोर्ट। पेशी के दौरान पीएसी बल और आरएएफ के सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर थे मुस्तैद। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों की रिमांड हुई मंजूर। भारी सुरक्षा के बीच लवलेश, सनी और अरुण को किया गया कोर्ट के सामने पेश। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, तीनों आरोपियों की जो रिमांड हो वो मंजूर हो चुकी है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से आज सुबह 7 बजे तीनों आरोपियों को जिस तरीके से प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज कोर्ट पेश किया गया था, इस दौरान जिस तरीके से जो इनपुट मिल रहे थे पुलिस को कि उन पर भी अटैक हो सकता है, इस अटैक को लेकर के आरएएफ और जो पीएसी बल था वो जगह जगह तैनात किया गया था। इसके साथ ही जो कोर्ट परिसर की बात की जाए तो वहां पर अधिकारी खुद समय समय पर जायजा ले रहे थे, लेकिन जिस दौरान पेश किया गया उस समय अंदर परिसर से लेकर के बाहर तक की पूरा पुलिस फोर्स तैनात था, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। फिलहाल जिस तरीके से रिमांड मंजूर कर ली गई है और रिमांड कितने दिन की मंजूर हुई है इसका फैसला कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। इसके बाद जो आरोपी था उनको मेडिकल के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया था उस दौरान भी जो इनपुट मिले उसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को प्रयागराज पुलिस लाइन में रख लिया। इसके बाद जो गेट था पुलिस लाइन का वो बंद कर दिया गया, लेकिन जो सुरक्षा की बात किया, सुरक्षा का घेरा बढ़ाते हुए पूरी तरीके से पुलिस फोर्स उसको अपने घेरे में रखे हुए कि किसी तरह की कोई भी घटना ना हो सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। लखनऊ से खबर है, नगर निगम और बड़ी पालिका वाले शहरों में होंगी सीएम योगी की सभाएं। बड़ी खबर लखनऊ से, भाजपा ने 20 अप्रैल के बाद से तैयार किया पार्टी नेताओं के चुनावी सभा के कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी करेंगे रैली। नगर निगम और बड़ी पालिका वाले शहरों में सीएम योगी की सभाएं की जाएंगी। भाजपा नगर निगम को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भाजपा ने 20 अप्रैल के बाद से तैयार किया पार्टी नेताओं के चुनावी सभा के कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी करेंगे रैली। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए भाजपा जो है नगर निगम को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, वहीं सीएम जो है 20 अप्रैल के बाद तैयारियां करेंगे, चुनावी रैली करेंगे और जनसभाएं भी करेंगे। जी नंदनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आपको बताएं कि टिकट वितरण का पहले फेज का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब बात रही तैयारियों की, तो बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार निगम चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर पहले से ही एक रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी मंत्री और कैबिनेट के मंत्री भाजपा और भाजपा के घटक दल जो है उनके प्रत्याशियों के लिए सभाएं करते हुए नजर आएंगे, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि केंद्रीय संगठन के उच्च पदाधिकारी, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं उतर कर और पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और शहरी विकास योजना जो है उसको लेकर इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम करेंगे नेता। साथ ही आपको बताएं कि जो भारतीय पदाधिकारी के तमाम टिकट न मिलने से या पूर्व में पार्टी छोड़ चुके हैं उन्हें वापस भी लाने की तैयारी भाजपा कर चुकी है और आज आने वाले 20 तारीख से सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं का शेड्यूल भी आ जाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। नगर निकाय चुनाव प्रचार अभियान से दूर रहेगी बसपा सुप्रीमो मायावती, किसी भी जिले में रैली नहीं करेंगी मायावती। वहीं नगर निगम के चुनाव की रैलियों से दूर रहेंगी मायावती। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और कोऑर्डिनेटर पर रहेगी प्रचार की जिम्मेदारी। बसपा ने महापौर पद पर 60% मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मायावती चुनाव का वॉर रूम बनाकर करेंगी मॉनिटरिंग।
नगर निगम चुनाव को लेकर मायावती रैली नहीं करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी किसी भी रैली में नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस में नहीं थम रहा है पार्षदों के टिकट को लेकर बवाल। एक वार्ड में दो दो सिंबल देने से गहराया विवाद। नाराज कार्यकर्ता छोड़ रहे पार्टी, निर्दलीय लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है बड़ी वजह। तो पार्षद टिकट को लेकर कांग्रेस में आपसी में गुटबाजी हो रही है। कांग्रेस में नहीं थम रहा है पार्षदों के टिकट को लेकर बवाल। एक वार्ड में दो दो सिंबल देने से गहराया विवाद। नाराज कार्यकर्ता छोड़ रहे पार्टी, निर्दलीय लड़ रहे चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए कांग्रेस में जो है पार्षद नाराज दिख रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जी नंदनी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले फेज के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो चुका है। आपको बता कि पूर्व में 95 प्रत्याशियों की लिस्ट आई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी बवाल करते हुए नजर आए थे। उनका आरोप था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक बार अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही वार्ड में दो सिंबल देने से कहीं ना कहीं एक विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी तरफ से क्या आगे रूपरेखा तैयार की जाती है। अगर बात करें तो पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो टिकट नाराज न मिलने की वजह से नाराजगी में पार्टी भी छोड़ चुके हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता जो पुराने हैं वो बगावत कर चुके हैं, साथ ही अब पार्टी सिंबल के बगैर वो चुनाव में उतर गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल कैसे करती है कांग्रेस पार्टी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में विश्व पृथ्वी दिवस पर होगा सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में ग्राम विकास विभाग करेगा कार्यक्रम आयोजित। पृथ्वी दिवस पर सेल्फी विद कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 21 अप्रैल को सभी अमृत सरोवर में चलेगा स्वच्छता अभियान। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।